रामलला की नगरी अयोध्या एक और कीर्तिमान रचने जा रही है जिसे पूरी दुनिया लाइव देख सकेगी। दुनिया भर में मशहूर अयोध्या में आज धूमधाम से दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए 24,60,000 दिए पूरे शहर में बिछा दिए गए हैं, जिनमें से 21,00,000 दिए केवल राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे, जबकि 3,60,000 अतिरिक्त दिए जलाए जाएंगे ताकि दीपमाला अनवरत रहे। और इन दीपों के चलते अयोध्या लगातार 7वें साल ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। दीपोत्सव को खास बनाने के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। दिन में जगह जगह झांकियां निकाली गईं जिनमें कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दीपोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा 50 देशों के राजनयिक भी शामिल होंगे। शनिवार को शाम होते ही जैसे ही रामलला के दरबार में पहला दीप जलेगा, वैसे ही पूरी अयोध्या जगमग हो उठेगी। भगवान श्री राम पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से अयोध्या पधारेंगे। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल उनकी अगवानी करेंगे, जिसके बाद सीएम योगी वशिष्ठ की भूमिका में श्रीराम का राज तिलक करेंगे। इस आयोजन का साक्षी बनने के लिए रामकथा पार्क में करीब 5,000 अतिथि मौजूद रहेंगे। इस बार सरयू पुल पर ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी भी होगी, जो करीब 20 मिनट तक चलेगी। इस पर करीब 80,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। इस कीर्तिमान का साक्षी बनने के लिए देश भर के लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। कलाकार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अयोध्या पहुंचे कलाकारों ने रामलला और उनके आदर्शों को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है मुझे राम बन के, क्योंकि दिवाली के टाइम पे मैं राम बनाऊँ वो भी अयोध्या में, उससे बड़ी की खुशी की बात कुछ भी नहीं है। और राम के आदर्श को कितना वो मानते हैं आप? बहुत ज़्यादा, जैसे कि हिंदू के उसमें तो सबसे ज़्यादा पहला शब्द ही आता है जय सिया राम, और आपको तो पता ही है जय सिया राम तो सबसे फेमस है। रामनगरी में उमड़े भक्तों को लेकर अयोध्या के दुकानदार भी खुश हैं। उनका कहना है कि लोगों के जुटने से उन्हें अच्छी आमदनी की उम्मीद है। दुकानदारों ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है, हम लोगों की बिक्री पर भी असर पड़ा है। बिक्री पहले के अपेक्षा अब ज्यादा हो रही है। लगभग कई कुंटलों में हम लोगों को लड्डू बनवाना पड़ता है, क्योंकि श्रद्धालु आते हैं मतलब टाइमली जो है इसमें 10 से 12 घंटा लगता है, इसलिए इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाता, तो 1-2 दिन का स्टॉक हम लोगों को लेके चलना पड़ता है। राम की पैड़ी पर लाइट एंड साउंड शो होगा, जिसके जरिए रामायण पर आधारित प्रसंग दिखाए जाएंगे, जबकि दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए 25,000 से अधिक वॉलंटियर्स की ओर से 16x16 के ब्लॉक बनाए गए हैं। हर ब्लॉक में 256 दिए सजाए गए हैं। एक वॉलंटियर 85 से 90 दिए जलाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।